हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश आपका ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हर एग्जाम में, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपी टेट हो और सी टेट हो, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या है? वो शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन जिनका अर्थ क्या होता है, अलग होता है, जिनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें बोला जाता है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। क्या? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ऐसे क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, जिन चीज का आपको नहीं पता तो आप या तो बच्चा स्किप करता है या फिर गलत करता है। तो आज हम लगभग 35 वर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे। 35 वर्ड्स का मतलब है लगभग 70 जो वर्ड्स हैं आज हम सीखेंगे, उनका मतलब क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है। और इसी के साथ काफ़ी टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे आने वाले टॉपिक्स जो हैं वो आपके ये होंगे। एक अलंकार है जो आपने बोला था, अलंकार कराना है, वाच्य, तद्भव, तत्सम, ये तीन टॉपिक के लिए आपने बोला है और ये तीन टॉपिक भी हम आने वाले दो तीन दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं श्रुति समभिन्नार्थक। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अवधि। अवधि क्या बोलते हैं? अवधि जो जिस पे छोटी की मात्रा होते हैं वो होता है समय। क्या होता है? वो होता है समय। और बड़ी अवधि होता है भाषा। अवधि एक भाषा होती है और छोटे वाली अवधि होती है टाइम पीरियड, समय। सेकंड, अनिल हवा होता है, अनल आग होता है। और ये जो पिछला एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। अनिल क्या होता है? हवा। अनल होता है आग। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग, की कौन सा सही मैच नहीं है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। आपको तीन चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए अनिल क्या होता है, हवा, अनल होता है आग। थर्ड पर आते हैं, अविलंब सहारा, अविलंब शीघ्र या फिर बिना देर किए। अविलंब होता है किसी को सहारा देना, ठीक है, अविलंब होता है, अविलंब देर, बिना देर किए, शीघ्र बहुत जल्दी से कोई चीज़ करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं, अचार एक खाद्य पदार्थ है जो हम रोटी वगैरह के साथ खाते हैं, वो अचार होता है। और आचार क्या होता है? हमारा आचरण, कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं आचार। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अंक। अंक क्या होता है? संख्या भी होती है अंक, और गोद भी होता है, ठीक है। अंक क्या होती है? संख्या होती है, गोद होती है। लेकिन जो अंग होता है, अंक और अंग बहुत डिफरेंट है। अंग क्या होता है? हिस्सा या फिर हमारी बॉडी का कोई पार्ट को भी हम क्या बोलते हैं? अंग ही बोलते हैं, और या फिर भाग। सिक्स्थ, और मतलब तरफ, कि उसकी तरफ, और मतलब तथा, मतलब दो चीज़ों को जो ऐड करते हैं उसमें ये वाला और ये होता है, जैसे राम और श्याम बाजार जा रही हैं, तो दो चीज़ों को कनेक्शन के लिए हम और का यूज करते हैं। लेकिन और किसी की ओर इशारा करने के लिए, तरफ, तो और एक इशारा के लिए होता है तरफ, और एक और होता है दो चीज़ों को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। नीर जल, और नीड होता है घोंसला। नीड क्या होता है? जल, ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन नीड जो है घोंसला, वो 90% बच्चों को नहीं पता होगा। तो नीड क्या होता है? घोंसला। नीड होता है घोंसला। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जैसे आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और मैं जो एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ NCERT से लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के पास बुक्स तो बहुत होंगी लेकिन आप NCERT इग्नोर करते हैं, और मैं NCERT से ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और आपके लिए अलग से हर रोज़ एक टेस्ट भी लेकर आता हूं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस टेस्ट भी हर रोज लेकर आता हूं, जिसमें लगभग 45 क्वेश्चन होते हैं हिंदी और जीके के। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। देखते हैं आप 3 लाख सब्सक्राइबर मेरे कितनी जल्दी कराते हैं, क्या इस महीना खत्म होने से पहले आप मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा पाएंगे या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शूर और शुर। शूर और शुर। शूर जो होता है वो होता है वीर, शूरवीर। आप याद रख सकते हैं शूरवीर, शूरवीर से तो याद हो गया शूरवीर। लेकिन जो सुर होता है, जैसे सूरदास, सूरदास क्या थे? अंधे थे। तो ये सूरदास क्या होगा? अंधा। और शूरवीर बलशाली। तो ऐसे आप इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है नतीजा, रिजल्ट या फल, ठीक है। परिणाम क्या होता है? रिजल्ट, नतीजा या फल। और जो परिमाण होता है वो होता है मात्रा, माप या तोल। परिमाण, किसी चीज को नापना, मापना, तोलना, ये होता है परिमाण। और परिणाम होता है रिजल्ट, नतीजा या फल। 10th पर आते हैं, इतर, इत्र या इतर। इतर जो होता है, ऐसे ही पढ़ना, इतर। इतर पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा दूसरा। इत्र पढ़ोगे सुगंधित द्रव्य, जैसे आप कोई परफ्यूम या फिर डियो वगैरह यूज करते हो, वो होता है इत्र। क्या होता है? इत्र। और इतर होता है दूसरा, दूसरा, कोई दूसरा व्यक्ति। कृति होता है रचना, और कृति होता है निपुण। कृति क्या होता है? रचना। कृति के लिए यूज होता है रचना, किसी की रचना है, जैसे किसी लेखक की कृति ये है, ठीक है, वो होगी रचना। और कृति होता है निपुण, किसी कार्य में निपुण होना। तो कृति क्या होगा? वो होगा निपुण। 12th पर आते हैं, चालक, जो वाहन चलाता है उसे चालक बोलते हैं, और जो चालाक होता है वो होता है चतुर। तो इसमें आ का डिफरेंस है, लेकिन इसमें ये सभी को आता भी होगा।
अणु क्या होता है? अणु होता है कण। अणु क्या होता है? कण। और जो अणु होता है वो होता है बाद। ये इंपॉर्टेंट है, अणु क्या होता है? कण होता है और अणु होता है बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आदि। आदि क्या होता है? आदि होता है आरंभ या इत्यादि, आरंभ आरंभ। और आदि होता है अभ्यस्त, जो जिसने काफी अभ्यास किया हो, अभ्यस्त अभ्यस्त। आदि होता है आरंभ, किसी की शुरुआत या फिर इत्यादि। अली होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था ये। अली क्या होता है? भवरा होता है। और अली क्या होता है? सखी या सहेली। तो जो छोटे वाला अली होता है उसका मतलब होता है भवरा, जो फूल पर मंडराता है। और अली होता है सखी सहेली। क्या होता है? सखी सहेली। कुल और कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल होता है वंश, जो छोटा का पे जब छोटे की मात्रा बनती है तो होता है वंश। कुल क्या होता है? वंश। और कुल होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। कुल होता है किनारा। कर्म और क्रम, कर्म और क्रम। जो कर्म होता है वो होता है कार्य या काम करना, और क्रम होता है सिलसिला, लगातार जो कर्म चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है। जैसे रीजनिंग में सीरीज होती है, क्रम चलता है ना, तो वो सिलसिला चलता रहता है। उसी प्रकार से ये क्रम, जैसे वन के बाद थ्री आया, फिर फाइव आया, तो ये क्रम होता है, ठीक है। और कर्म होता है किसी कार्य को करना। चिर पुराना, और चीर होता है वस्त्र, ये भी आपको याद रखना है। चिर क्या होता है? पुराना। और चीर होता है वस्त्र। चीर क्या होता है? वस्त्र। और चीर होता है पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, धनु। धनु क्या होता है? धनुष। और धेनु होता है गाय। काम धेनु क्या थी? गाय थी। आपने एक स्टोरी सुनी होगी काम धेनु की, तो काम धेनु क्या थी? गाय थी। और धनु क्या होता है? धनु होता है धनुष, धनुष। अन्न होता है अनाज। अन्न क्या होता है? अनाज होता है। अन्य मतलब दूसरा। इजी है ये तो, आप सभी को मालूम ही होगा। चीजों को आप जब आप लर्न करते हो ना, तो उसे कोरिलेट किया करो। क्या किया करो? कोरिलेट। कोरिलेट का मतलब एक दूसरे से जोड़ोगे और अपने मन में बिठाओगे तो चीजें आपको याद होगी और आप कभी भूलोगे नहीं। लेकिन अगर रट्टा मार के करोगे और सिर्फ ऊपर से पढ़ के करोगे, कभी याद नहीं होगा। और एक बार में चीजें याद नहीं होती है, चीजों को रिवाइज करना पड़ता है। आप नया सीखने से पहले पुरानी चीजों को रिवाइज करें। अगर आप नया नहीं सीखेंगे लेकिन पुरानी चीजों को रिवाइज करते हैं, तो आप फिर भी सिलेक्शन की दौड़ में दिख जाओगे। लेकिन अगर आप हर रोज नया सीखते हो और पुराना रिवाइज नहीं करते हो, तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इस चीज को अपने दिमाग में जरूर बैठा लेना। नई चीज सीखने से पहले आपको पुरानी चीजें सारी आनी चाहिए, तब नई चीज सीखने का फायदा होता है। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उसका टेलीग्राम में मैंने लिंक दे दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा, और वहां पर आपको पुराने सारे पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। तो आपको पीडीएफ के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा टेलीग्राम पर। मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है, वहां पर आपको पुराने सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अब आते हैं 21 पर, निधन का मतलब क्या होता है? मृत्यु, सभी को आता होगा। जो निधन होता है गरीब, बहुत ईजी है। दिन होता है दिवस, और दीन होता है गरीब। इस दिन का तो मतलब सभी को मालूम होगा, लेकिन जो दीन होता है वो होता है गरीब, ये आपको याद रखना है। ग्रह और ग्रह, अभी युवा विकास कल्याण अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, यूपी पुलिस में आया था, और जो पहले दो एक बार हुआ था, अभी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, और पिछले दो साल पहले एक एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। ग्रह का मतलब क्या होता है? नक्षत्र, और ग्रह होता है घर। और राजस्थान में अभी एसआई का एग्जाम हुआ, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन लगता है मेरे को, ये जरूर आता है एग्जाम के अंदर। जब चार ऑप्शन होते हैं कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है। तो जो जिसपे ये वाला ग्रह होता है वो होता है ग्रह, जैसे मंगल शनि हो गए, हमारे प्लैनेट्स हो गए, नक्षत्र भी जिसे बोल देते हैं। और ये ग्रह होता है घर के लिए यूज होता है, ये ग्रह, तो ये आपको याद रखना है। तरंग और तुरंग, पर्यायवाची सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तुरंग घोड़े के पर्यायवाची, और तरंग क्या होती है? लहर। तो पर्यायवाची में और होमोनिम्स श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में, इसे जरूर याद रखना। तुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़ा, घोड़े के सारे पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। तुरंग क्या होता है? घोड़ा। और तरंग होता है लहर। मूल, जड़, मूल्य, कीमत। मूल का अर्थ होता है जड़, और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। मात्र, केवल, मात्र, माता। मात्र मतलब एक क्वांटिटी, आप बोल सकते हैं मात्र, केवल, ठीक है। मात्र क्या होता है? माता, ये तो आपको पता होगा, और ये भी, ये इजी है। कोष, शब्द भंडार। कोष क्या होता है? शब्द भंडार। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये वाला सह है तो उसका मतलब है शब्द भंडार। जैसे डिक्शनरी का अंदर क्या होता है? शब्द कोश होते हैं, ठीक है। तो शब्द कोश हम कैसे लिखते हैं? शब्द कोश। तो ऐसे चीजों को आप कोरिलेट किया करो। कोश से क्या बना? शब्द कोश। और शब्द कोश किसके अंदर? डिक्शनरी। तो अर्थ क्या होगा? शब्द। और ये कोश होता है खजाना, खजाना। किला, गढ़, और किला होता है खूंटा। किला, गढ़, ये तो आपको पता होगा, जूनागढ़ क्या था? किला, तो ठीक है। किला, किला क्या होता है? गढ़ होता है। लेकिन जो किला होता है वो खुंटा होता है, जिस पर गाय भैंस वगैरह बांधते हो, वो खुंटा, उसे किला भी बोला जाता है। सूत होता है बेटा, और सूत होता है धागा। काफी कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज मत होना। अगर छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो उसका मतलब है बेटा, पुत्र। अगर सूत है
सूत है तो वो होगा धागा, क्या होगा सूत, सूत का क्या होता है धागा होता है, तो सूत आपको इसे याद रखना, सूत और सुत, ठीक है। अब आते हैं असु, मैंने जब बोला था घोड़े का जो पर्यायवाची है वो सारे याद कर लेना क्या क्या होते हैं। असु घोड़ा होता है, लेकिन अश्म क्या होता है पत्थर होता है, अश्म क्या होता है पत्थर और अश्व होता है घोड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट पर समान, समान क्या होता है बराबर, समान क्वांटिटी में एक समान, ठीक है एक समान, और समान होता है वस्तु, ये तो ईजी है आपको पहले से मालूम होगा। नेक्स्ट पर आते हैं सिल, सिल होता है जो आप मसाला, जो गांव के गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें सबको मालूम होगा सिल क्या होता है, मसाला पीसने वाला पत्थर जिस पर मसाला या चटनी वगैरह बनाई जाती है वो सिल होती है। और सील होता है शालीनता, क्या होता है शालीनता, जिसके अंदर नरम हृदय वाला हो और दूसरों के प्रति काफ़ी अच्छे से रहे वो होता है शालीनता, क्या होता है शालीनता। मेल मिलाप, किसी से मिलना, मेल मिलाप करना, ठीक है मेल मिलाप करना इसे याद रख सकते हैं। और मैल क्या होता है गंदगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। वदन होता है मुख, ये इंपॉर्टेंट है, वदन क्या होता है मुख, मुख वदन होता है मुख, और वदन तो आपको पता ही होगा तो वदन को याद रखना है, वदन का अर्थ होता है मुख। तो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट होमोनिम्स जिसका अर्थ है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द एनसीईआरटी से। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको मालूम भी होगा कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ नई चीज़ें लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।